अब YouTube से पैसे कमाने का सबसे पहला एंड आई थिंक सबसे ऑब्वियस और मे बी सबसे सिंपल तरीका जो होगा वो है YouTube की एडवर्टाइजमेंट्स। अब YouTube के अंदर अगर एक कंटेंट क्रिएटर के 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 का वॉच टाइम मिल जाता है उसके कंटेंट के ऊपर, तो उसका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अनेबल हो जाता है। यानी कि वो अगर मोनेटाइजेशन करवाता है अपने चैनल की, तो उसके बाद YouTube उसके जितने भी वीडियोस हैं उसके ऊपर जैसे जैसे उसने कॉन्फ़िगरेशन करी है एड्स पब्लिश करता है। एड्स किस किस तरीके की रन होती हैं? कुछ ऐसी एड्स हैं जहां पे आपने शुरू में स्किप ऐड दबाने के लिए आप बेचैन रहते हैं, स्किप ऐड करते हैं जैसे 5 सेकंड की ऐड होती है और आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम वीडियो देख सकें। कुछ ऐसी एड्स होती हैं जहां पे आप स्किप ऐड की वेट करते हैं लेकिन वो बटन आता ही नहीं है, 10 से 20 सेकंड की करीबन ऐड होती है। फिर नीचे बैनर्स लिखे आते हैं जब वीडियो चल रहा होता है जिसके ऊपर आप क्रॉस दबाते हैं। कुछ एड्स बीच में आती हैं जब आपको लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है और एकदम से ऐड आएगी और आप कहेंगे ओह क्या हुआ, जिसको आप स्किप भी नहीं कर पाते हैं। और फिर वीडियो के एंड होने के टाइम भी ऐड आती है। तो जितनी बार आप स्किप ऐड का बटन दबा रहे हैं या क्रॉस का बटन दबा रहे हैं तो कंटेंट क्रिएटर के पैसे जा रहे हैं। जितने लोग इन एड्स को देखते हैं और अगर इन एड्स के ऊपर क्लिक भी करते हैं तो उसका पैसा कंटेंट क्रिएटर को मिलता है उसी प्रोपोर्शन में। 45% यूट्यूब रखता है, 55% उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। लेकिन कुछ और चीजें इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितना भी जहां पे ये रन हो रही है, एडवर्टाइजमेंट कहां रन हो रही है, वीडियो कहां रन हो रही है, इसका बहुत बड़ा हाथ है कि एक्चुअली में कितना पैसा मिलेगा, प्लस कौन से जॉनर की ऐड है, कौन इस ऐड को देख रहा है, ये बड़े सारे पैरामीटर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे जो रेवेन्यू मिलता है एडवर्टाइजर से वो काफ़ी कम मिलता है। लेकिन अगर आपके वीडियो, मानते हैं आपने कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाई है जो कि कोई US या UK में देख रहा है, तो आपको जो रेवेन्यू वहाँ से मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं अगर उनके 1 लाख व्यूज़ फॉर एग्जाम्पल हो गए तो वो सेम कमा रहे होंगे। वो डिपेंड करेगा एक्चुअली जो व्यूज कहां से आए हैं और एक्चुअली में उसके ऊपर किस पब्लिशर ने कितना पैसा डाला है। अब यहां पे जो एक मिथ रहता है वो ये कि जितने ज्यादा व्यूज हैं उतना ज्यादा पैसा। थोड़ी सी सच्चाई है कि हाँ, जितना ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसके ऊपर उसने चैनल को मोनेटाइज ही नहीं किया हो सकता है एक स्पेसिफिक तरीके की वीडियोस चलाई हो, या फिर हो सकता है वो बहुत ही जेनरिक या छोटा सा वीडियो हो जहां पे इतने पर्टिकुलर एड्स नहीं रन हो सकते हैं। प्लस दूसरी और इसके साथ पैरामीटर आता है RPM और CPM, रेवेन्यू पर मिली और क्लिक पर मिली। यानी कि 1000 मिली को बोले जाते हैं, 1000 बोलते हैं, 1000 व्यूज देखने पे अप्रॉक्सीमेटली कितना रेवेन्यू मिल रहा है और 1000 क्लिक्स करने पे कितना रेवेन्यू मिल रहा है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए रखते हैं कि एड्स रेवेन्यू के साथ एक कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर पैसे कमा सकता है। एडवर्टाइजमेंट का एक और मेथड है, वो मेथड ये है कि एडवर्टाइजर कहता है कि मैं जब एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ तो मेरे जितना भी पैसा देता हूँ मैं यूट्यूब को, उसमें से यूट्यूब थोड़ी सी फीस रख लेता है। दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएटर कहता है कि मैं जब एडवर्टाइज करके या फिर एडवर्टाइजमेंट्स को प्ले कर रहा हूँ अपने वीडियोस के ऊपर तो 45% तो यूट्यूब ने रख लिया, मुझे क्या मिला उसके अंदर से। तो क्या करते हैं कि एडवर्टाइजर्स कभी कभार डायरेक्टली भी रीच आउट करते हैं कंटेंट क्रिएटर को कि आप हमारा ये प्रोडक्ट को प्लेस कीजिए या आप हमारी सर्विस को बेचिए और हम आपको डायरेक्टली पैसे देंगे। इसके अंदर से यूट्यूब का कोई हाथ नहीं रहता है। यूट्यूब ये कहता है कि आप ऊपर दिखाएं कि ये दिस इज़ अ प्रमोशनल वीडियो ताकि पता लगे कि कुछ प्रमोशन हो रही है नहीं हो रही है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है क्योंकि कई बार तो आपको भी नहीं पता लगता है कि कोई प्रोडक्ट का बीच में एडवर्टाइजमेंट हो भी गई है या नहीं हो गई है। उस केस के अंदर वो विन विन सिचुएशन रहती है दोनों एडवर्टाइजर्स के लिए भी और जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए भी, क्योंकि दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है जितना भी पैसा वो लगा रहे हैं, जितना पैसा इनको मिल रहा है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका है एडवर्टाइजमेंट। दूसरा तरीका जिससे एक यूट्यूबर पैसे कमाता है वो होता है प्रोडक्ट बेच के या फिर सर्विस बेच के। अब ये प्रोडक्ट हो सकता है उसके खुद के प्रोडक्ट्स हो, ये प्रोडक्ट हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट हो। खुद के प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने मेरे चैनल पर देखे होंगे कि मैंने जब भी वीडियोस बनाए हैं तो मैंने साथ में एक्सेल शीट्स बनाई हैं। कुछ एक्सेल शीट्स हैं जो रीड ओनली फॉर्मेट में फ्री देता हूं ताकि आप उसे रेफर कर सकें, कुछ आप उसके अंदर से इंफॉर्मेशनल थिंग्स डाउनलोड कर सकें, या फिर दूसरे जो हैं जो कि पेड वर्जन की होती हैं जहां काफ़ी टाइम लगा होता है, कुछ मेहनत गई होती है, वो एक छोटी सी फीस दे के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स दूसरी ऐसी चीज़ है जहां से यूट्यूबर पैसे कमाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखने की बात है, जैसे हो सकता है किसी कंपनी ने कहा हो कि आप यहां से एक सर्विस साइन कीजिए, आप स्किल शेयर पे जाइए, आप किसी कंपनी के और किसी सर्विस को लीजिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। उस डिस्काउंट के साथ
जबकि आपको तो एक डिस्काउंट मिल रहा है, कंटेंट क्रिएटर को भी एक फीस मिलती है। वो हो सकता है वन टाइम फीस हो, वो हो सकता है आपके पास रेगुलरली फीस आ रही हो। सो डिपेंड करेगा कि कौन से क्रिएटर को क्या उसने डील इंक करी है पब्लिशर के साथ और क्या वो प्रोडक्ट बेच रहा है। लेकिन इन प्रोडक्ट को बेचने से भी या फिर इन सर्विसेज को बेचने से भी कंटेंट क्रिएटर की कमाई होती है, और ये है हमारा तरीका नंबर 2। तीसरा तरीका जिससे एक यूट्यूबर पैसे कमाता है वो है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? देखिए, सब्सक्रिप्शन सिंपल तरीके से यही है जैसे आप किसी किताब की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आए। जिससे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में सब्सक्रिप्शन है। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी होती है जहाँ से आपके पास कंटेंट क्रिएटर कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव मटेरियल देता है जो किसी और के पास एक्सेस नहीं होता। क्या चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही हो जिसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता हो और वो सिर्फ जिन लोगों ने ये पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ले रखा है इनके पास अवेलेबल हो। हो सकता है कंटेंट क्रिएटर अपना टाइम डेडिकेट करे उन लोगों के लिए, उनके साथ स्पेशलाइज कोई वीडियो बनाए या उनके साथ स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन शेयर करे। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो जो कि एक छोटे सा अगर ग्रुप है उसके साथ वो शेयर करे। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि इन्फॉर्मेशन किसी और के पास अवेलेबल नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास अवेलेबल रहती है। चौथा तरीका जिससे एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर पैसे कमाता है वो है स्पॉन्सरशिप। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने के लिए उतरा करते थे फील्ड पे तो उनके बैट के ऊपर MRF लिखा होता था। अब MRF तो एक टायर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो बैट तो नहीं बनाती है, तो वहाँ पे MRF सचिन तेंदुलकर के बैट के ऊपर अपना ब्रांड प्लेस करती थी। उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था सचिन तेंदुलकर को, और वहाँ पे ब्रांड को प्लेस करके वो ये कह रही थी कि देखिए आप हमसे रिलेट कर सकते हैं वाया सचिन। इसी तरीके से आपको याद होगा कि शाहरुख खान हुंडई की ऐड किया करते थे, और बहुत सारे जितने भी आज की डेट में भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने पहले कवर किया, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म बन गया है कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, इसलिए आज की डेट में ब्रांड्स कंटेंट क्रिएटर के पास भी रीच आउट करते हैं अपने ब्रांड्स को एंडोर्स करवाने के लिए या फिर उसको पॉपुलर करवाने के लिए। हो सकता है वीडियो में पीछे कहीं पे हल्का सा लिखा हो किसी ब्रांड का नेम, हो सकता है कोई फ्रीबीज दे मिल रही हो, हो सकता है वो यूट्यूबर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। किसी भी तरीके से ब्रांड को एंडोर्स करना या उसको स्पॉन्सर करना स्पॉन्सरशिप कहलाता है, और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम है एक यूट्यूबर के लिए। जितना शायद वो पूरे अपने एड रेवेन्यू से प्लस बाकी मर्चेंडाइज से नहीं कमा पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है। सो चौथा जो हमने पॉइंट कवर किया, स्पॉन्सरशिप, दैट इज़ द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर अ यूट्यूबर। लेकिन वहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो जाननी ज़रूरी है कि हर किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। अब ऑब्वियस बात है कि एक ब्रांड अगर अपने पर्टिकुलर चीज़ों को एंडोर्स करवाना चाहेगी या फिर स्पॉन्सर करवाना चाहेगी तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढेगी जिसके पास काफ़ी ह्यूज फैन बेस हो। तो जो यूट्यूबर का कंटेंट काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोग फॉलो करते होंगे, उस पर्टिकुलर यूट्यूबर को ही चांसेस होते हैं स्पॉन्सरशिप मिलने के। अब आते हैं पांचवें और आखिरी तरीके पे जिससे एक यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर अर्निंग करता है या फिर पैसे कमाता है, वो है एफिलिएट लिंक्स। एफिलिएट लिंक्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी वाला, तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर ने काफ़ी बार ये कहा होगा कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके वहाँ से खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान लेते हैं आपने शूज़ खरीदने हैं, आपने शूज़ की वीडियो देखी है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अमेज़न के साइट पर जाके शूज़ खरीदते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक छोटा सा परसेंटेज एज अ फीस इस पर्टिकुलर यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। अब ये पैसा कैसे आ रहा है? क्या आप कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? एक्चुअली में नहीं। अगर आप डायरेक्टली उस साइट पर जाते और वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते तो भी आप उतने ही पे करते, लेकिन क्योंकि अमेज़न ने वो पैसे बचाए जहाँ पे उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ता कि यहाँ पे आइए प्रोडक्ट खरीदिए, तो इसलिए क्योंकि कंटेंट क्रिएटर इन मल्टीपल वेज उसी चीज़ की एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसको वो एक पर्टिकुलर फीस दे रहे हैं जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो बेच रहा है। तो अगर आप उस एफिलिएट लिंक पे क्लिक करते हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उतने ही पैसे देने हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर
लिंक से क्लिक करने के बाद एक छोटी सी फीस कंटेंट क्रिएटर को मिल जाएगी। अगर ये पर्टिकुलर जो चीज है ये बहुत ज्यादा चलती है तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बार लिंक डाला और पर्टिकुलर जितनी भी चार बार प्रोडक्ट खरीदा जाएगा इस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को पैसे मिलते जाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट वो अनएंडिंग है, जितने टाइम तक वो वीडियो रहेगा, जितने टाइम तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तब तक पैसे कंटेंट क्रिएटर के पास आते रहेंगे। अब जब हमने देख लिए 5 डिफरेंट तरीके जहां से एक यूट्यूबर पैसा कमाता है तो हमारे मन में ये तो पक्का हो गया कि यूट्यूबर की धन वर्षा होती है, यानी कि इतने सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, तो वीडियो डालो और बस पैसे बरसने स्टार्ट। मगर एक बार रुकिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सोचिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। डिपेंड करेगा सबसे पहले कि यूट्यूबर कितना बड़ा है, यानी कि बढ़ेगा मतलब उसका चैनल कितना बड़ा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। एक्चुअली में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कितने सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कितने उसके पास रेवेन्यू की अर्निंग होने वाली है। व्यूज़ का भी सिर्फ ये पैरामीटर रहता है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग आपके वीडियोज़ में देखेंगे, अगर आपने ऐड डाली है ऐड देखेंगे, या फिर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है तो आपको स्पॉन्सरशिप ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डिपेंड करेगा कहां रन होती है एड, जो मैंने पहले आपको कवर करके बताया। सो फर्क क्या पड़ेगा, देखिए अगर आपका छोटा चैनल है तो आपके पास जो रेवेन्यू स्ट्रीम के सोर्सेज रहेंगे वो कम रहेंगे, और अगर आपका चैनल ग्रो हो चुका है तो आपके पास जो रेवेन्यू स्ट्रीम के सोर्सेज रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो ऑफकोर्स जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसको पैसा ऑफकोर्स ज्यादा मिलेगा, जिसके 1000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन क्या 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, 1000 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करेगा कंटेंट कितना अच्छा है। यूजली अगर कंटेंट अच्छा बनाते हैं तो ज्यादा व्यूज आपके पास आएंगे, और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा की फैन फॉलोइंग बढ़ती जाएगी। अगर जैसे मैंने शुरू में बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 1000 सब्सक्राइबर्स का और 4000 घंटे का होता है, इसका मतलब आपकी एक या दो वीडियो जरूर वायरल होंगी। वायरल का मतलब कुछ हजार लोग देखेंगे उसको, 10,000-40,000 के तक लोग उसका देखेंगे और उसी से आपका सब्सक्राइबर बेस बनना स्टार्ट होगा। लेकिन क्या कंसिस्टेंसी है आपके वीडियोज में, क्या कंसिस्टेंटली आपके वीडियोज को लोग देख रहे हैं, या फिर बस एक बार हवाबाजी हुई थी और उसके बाद वापस जमीन पे आ गए। अब कंटेंट बनाना कितना आसान काम है, जब इतने रेवेन्यू स्ट्रीम्स और पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी है तो कितना आराम से कंटेंट बना सकता है। इसके लिए मैं सिर्फ एक राय दूंगा, उस काम को कीजिए जो आपका पैशन है। बड़ा आसान होता है लगना कि मैं ये काम कर लेता हूँ, ये पर्टिकुलर बंदे ने वीडियो बनाया इसमें क्या मुश्किल है, मैं बना लेता हूँ। लेकिन एक बना लेंगे, दो बना लेंगे, चार बना लेंगे, आठ बना लेंगे, उसके बाद अटक जाएंगे क्योंकि आप किसी को और को फॉलो करके या कॉपी करके कर रहे थे। आपका पर्टिकुलर निश क्या है, आपका पर्टिकुलर पैशन क्या है, उसको फॉलो कीजिए। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको खाना बनाना पसंद हो, हो सकता है आपको गार्डनिंग करना पसंद हो सकता है आपको मेरी तरीके से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना पसंद हो, जो भी आपका निश है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ के ऊपर अपने पैशन को फॉलो कीजिए ताकि आपको वो बर्डन भी ना लगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं फुल मेहनत डाल रहा हूँ लेकिन मेरे पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। टाइम लगता है, आप जब वीडियो डालते हैं तो एक इतने बड़े समुद्र के अंदर आपका एक वीडियो है जिसको देखने के लिए लोग, जिसको ढूंढने के लिए लोगों को टाइम लगेगा और यूट्यूब को भी बताने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो डाला और धम से जो है वो वायरल हो गया, अनटिल लेस आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। मोस्टली लोगों को 4-6 महीने लगते हैं आप वीडियो कंसिस्टेंटली डालते रहें और लोग आपके वीडियोस को पसंद करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल कोर्स में बात करें तो 2-3 साल लगते हैं एक चैनल को एस्टेब्लिश चैनल बनने में, और उसके बाद आपकी फैन फॉलोइंग इतनी हो जाएगी कि आपको लगेगा हाँ मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो रेगुलरली आनी स्टार्ट हो गई है। छोटे यूट्यूबर की बात करें, अगर 1,000 से 10,000 तक के सब्सक्राइबर हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो $100-125 के करीबन की पेमेंट आ जाती है 1-2 महीने के अंदर। और अगर बड़े एस्टेब्लिश जो यूट्यूबर हैं उनके पास इनकम जो है 2-4 लाख रुपीज़ तक की करीबन पर मंथ की इनकम आती है। लेकिन एक और चीज़ को ध्यान रखिए कि जो बड़े एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास अपनी टीम भी होती है, उनके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी बड़े होते हैं, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, क्या आपको यूट्यूबर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी हर एक को यूट्यूबर बनना चाहिए, बनने में क्या जाता है, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, जो भी आपका पैशन है, कुछ नहीं कर रहे तो जो आज दिन भर में किया उसके बारे में वीडियो बना लीजिए और डाल दीजिए। पैसे थोड़े ना लग रहे हैं, हाँ थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा matters.